तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1.14। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 × 10³। आई गेट न्यूटन पर कूलम्ब। अब हमको पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। जो फील्ड है उसका फ्लक्स क्या है, और यहां पर एक प्लेन दिया हुआ है जिस प्लेन का एक साइड कितना है, तो वो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये प्लेन कैसा है, तो ये प्लेन है पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो उस प्लेन के अंदर फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, ये जो फील्ड है उसका फ्लक्स कितना होगा, ये हमको निकालना है। उसके बाद हमको एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60° एंगल विद एक्स एक्सिस। अब जब ये प्लेन होगा 60° एंगल एक्स एक्सिस के साथ, तो वो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये हमको पूछा है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी है इसको हम कैसे दिखाएंगे, वेक्टर E से दिखाएंगे। और ये कितना दिया है, तो ये दिया है 3 × 10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम्ब। अब हमको क्या करना है, हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आएगा, तो ये आएगा इस तरह से, ठीक है। और ये कितना आएगा, 3 × 10³ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, राइट। अब हमको दी है साइड ऑफ स्क्वायर, तो भाई साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, उसको हम डिनोट करेंगे एस से, वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अब ये 10 सेंटीमीटर को हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.1 मीटर। उसके बाद एरिया कितना आएगा, तो एरिया आ जाएगा साइड इनटू साइड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू एस स्क्वायर आ जाएगा, और वो कितना आएगा, तो वो आएगा 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक इतना आ गया है, राइट। हाँ, अब हमको क्या दिया है, जो प्लेन है वो कैसा है, पैरेलल है वाई जेड प्लेन को। जो एंगल बनेगा यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वो कितना आएगा, उसको बोलेंगे थीटा, और वो आएगा 0°। तो अब हमको निकालना है फ्लक्स, फ्लक्स किससे दिखाते हैं, तो फ्लक्स हम दिखाते हैं फाइ से। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, तो वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है, 3 × 10³ एरिया कितना है 0.01, और कॉस थीटा कितना है, कॉस 0 लिख देंगे उसकी जगह पे, ये आ गया। अब 3 × 10⁻³ × 1 × 10⁻²⁻² इंटू कॉस 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कितना आता है, ये आता है 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो आ गया ए का आंसर। अब हमको बच्चों निकालना है बी, तो चलो बी को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो प्लेन है ये कितना बना रहे हैं एंगल, तो ये बना रहा है 60° का, ठीक है। यानी थीटा कितना है, तो भाई थीटा है 60°, राइट। तो यहां पर फॉर्मूला क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना है, 3 × 10³ ए कितना है 0.01, और cos 60 लिख देंगे। अब भाई cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1/2, और इसका तो हमने आंसर निकाल लिया था, कितना था 30 × 1/2, ठीक है। आंसर कितना आया, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।